हैं। खाओ खाओ, आगे देखो बेटा, यहाँ पे देखते रहो। हाँ दीदी, रोटी अच्छी लग रही है। हाँ चल खाओ बेटा, बोलो अच्छी तरह लग रही है, खाओ खाओ। मैंने खाना अच्छा लग रहा है। हाँ वेरी गुड, यहाँ देख आ रहे। सॉरी, खाते रहो खाते रहो, मैं अपने आप वीडियो बना। हाँ चिट्ठी दिया, कोई बात नहीं, फटाफट का चलो खाना। हाँ जल्दी खाओ, चौधरी को गुस्सा आके खा रहा है क्या? हाँ ये हमारे कराटे बच्चों को ऐसे नाश्ता क्या करवाया जाता है, बिल्कुल अच्छी तरह से सब बच्चे सब्जी रोटी ले आते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर कैंपस के अंदर समर वेकेशन कैंप लग रहा है, कराटे रोप जम। आ गुरु जी, कल भोजन डे है। अरे आपने तो भेजा था टीम से। हाँ हाँ गुरु जी, आप बीच में खड़े होकर पूछो इनसे क्या क्या लाए। आ जाओ गुरु जी बीच में। हमारे प्रधानाचार्य जी सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों को अच्छी तरह खाना खिलवाते हुए उनके खाना चेक कर रहे हैं कि जो बच्चे सब्जी नहीं ला रहे हैं तो उनको सर कहते हैं सब्जी लाओ, फल लाओ। दिखाओ क्या लाए, बताओ सर को। हाँ सब बच्चे बताओ। हाँ हेल्थ इज वेल्थ, सर ने बोला हेल्थ इज वेल्थ। बच्चे बिल्कुल खुश हो रहे हैं और हमारे सर निरीक्षण करते हुए बच्चों के। हाँ मैक्रोनी खाना मना है, कल से रोटी सब्जी लाएंगे। बच्चों को बहुत ही प्यार से बच्चों को भोजन करवाया जा रहा है यहाँ पर। गुरुजी की देखरेख में यहाँ समर वेकेशन कैंप में बच्चे बड़े आनंद ले रहे हैं और कल से योग शिविर भी लगने वाला है। इकतीस तारीख से 7 बजे से योग शिविर लगेगा, इसमें सभी जनता सभी लोग यहाँ पर भागीदारी कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सभी बच्चों के लिए योग शिविर ये लो। ठीक है गुरु जी, अब बोलिए कल से यहाँ योग शिविर का। हाँ योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, कल प्रातः 7 बजे से लेकर के प्रारंभ होगा और 21 जून तक निरंतर सुबह 7 बजे से लेकर के और 8:30 बजे तक योग का कार्यक्रम होगा और विभिन्न प्रकार प्राणायाम अनुलोम विलोम और बैठ योग, ये सारे योग यहाँ पर कराए जाएंगे जिससे शरीर में स्फूर्ति रहेगी और आरोग्य रहेंगे। सभी के लिए अलावा सर, सभी सब के लिए अलावा है, पब्लिक के लिए 5 साल से लेकर के 60-70 साल का भी उसमें भाग ले सकता है। और ये निःशुल्क निःशुल्क सुविधा है और निःशुल्क रूप से यहाँ पर योग सिखाया जाएगा और अपने चंद्रपुर क्षेत्र के जो हमारा योग का नव योग समिति है उधर डॉक्टर देवीदत्त जोशी जी के सानिध्य में और नवजीत जी और नवदीप जी के द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है और वहाँ पर भी समय समय पर योग के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इस विद्यालय में समर कैंप के रूप में ही यह कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें बाल वर्ग, शिशु वर्ग और तरुण वर्ग सभी को लेकर के यहाँ पर 21 जून तक निरंतर 1.25 घंटे का योग यहाँ पर किया जाएगा। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को योग शिविर का हॉल दिखाते हैं जहाँ बच्चों को ये कराटे भी करते हैं, रोप जंप भी करते हैं, जुजुसु भी करते हैं और ये हमारा फूल पौधे
विद्यालय का, बिल्कुल विद्यालय का प्रांगण गुरुजी ने बहुत ही अच्छी तरह। हाँ गुरुजी, तरह ये फूलों के बारे में बताइएगा, ये कौन सा फूल है इनके बारे में बताइएगा आप बहुत मेहनत करके। ये फूल सूरजमुखी का है, सूरजमुखी। और जैसे जैसे सूर्योदय होता है, प्रातःकाल को सूर्य की किरणें सूर्य निकलते जाएंगे उस ओर ये फूल घूमते रहता है। और ये ये पुष्प जो है ये सब सदाबहार के। ये कौन सा पौधा है गुरु जी? ये वाला है ग्रीन टी, यानी अच्छा ये ग्रीन टी भी लगा रखा है। ये ग्रीन टी है, इसके पत्ते ये काट करके अपना आप चाय बनाओ तो शरीर अस्वस्थ शरीर में स्वस्थता के लिए, और ये लाभकारी है। वो चाय लाभकारी नहीं है, जो इस चाय को पीता है उसे ब्लड प्रेशर और शुगर ये कई चीज़ों में ये काम आता है, इसको ये चाय पीनी चाहिए। बहुत बढ़िया गुरु जी, आपने ग्रीन गार्डन बहुत बढ़िया बना रखा। अच्छा अरे आम के वैरायटी भी, ये कौन सा ये आम है गुरु जी? बहुत अच्छे आपने ये विद्यालय में आम भी यहाँ पर वन विभाग के द्वारा एक वृक्ष यहाँ पर दिया गया था कि दशहरा करके ये आम है, अभी इसको एक साल पूर्ण होने जा रहा है और साल भर में इस वृक्ष की देखिए आप यहाँ पर ऐसा वृक्ष बन गया है, इसमें फल आगे निकला, बहुत फल थे लेकिन ये यहाँ पर लगे हुए हैं। वैसे हमारी इच्छा तो नहीं थी लेकिन वन विभाग वालों की इच्छा थी कि ये बहुत बहुत यहाँ पर ये फलदार अवश्य लगाएं। और यहाँ बच्चों इतने बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ते इतने आते तब भी किसी बच्चों ने छेड़ाखानी नहीं किया, बहुत अनुशासन में आपने बहुत ही। बच्चा यहाँ पर नहीं आता और कहता है कि नहीं ये हमारे फल जो है इन फलों पर कोई हाथ नहीं लगाएगा और ये ऐसे रहेंगे और अच्छा लगता है ये गरीब। और इधर हमारा ये सर ये अमरूद भी बहुत अच्छा वैरायटी का अमरूद आपने लिया है, क्या ये बाजपुर वाले बताते वही वाले अमरूद है? हाँ वही अमरूद, बहुत बढ़िया। और ये आपने ये क्या लगा? ये है पुसा। उसका सा, अरे बाप रे बहुत ही बढ़िया गुरु जी आपने ये सारे लोग यहाँ से कहाँ कहाँ ढूंढ के नहीं मिलता, आपने तो सारे विद्यालय में देखो ये काट करके ले जाए जिनको आवश्यकता पड़ती है पूजा पाठ के लिए बहुत ही। और भी है हमारे पास। और गुरु जी आपने ये क्या तेज पत्ते का जैसा पेड़ लग रहा है? ये हमारा तेज पत्ता, ये अनार का पेड़। तेज पत्ते के दो पौधे हैं और इधर अच्छा। ये अनार का पौधा है। हाँ और इधर वहाँ ये आंवला का वृक्ष है, आंवले का पौधा भी लगाया गया है जिसमें इसकी आवश्यकता होती है। आंवले की एकादशी कभी पूजन उजन होता है आंवले का फल फूल। सर आपने तो बहुत कुछ यहीं पर जोड़ रखा। इसके अलावा भी हमारे पास भी बेल का वृक्ष है, बेल। और ये यहाँ ये मूँगफली भिंडी, हाँ ये मतलब बहुत बागवानी हरा भरा बच्चों के लिए एक अपना हरियाली जैसी दिखाई देती है। और अच्छा अब ये हमारा ये है यहाँ पर ये योग शिविर योग दिवस करके ये हमने बैनर बनाया हुआ है, इसमें लिखा है विश्व के योग शिविर और 21 मई से 21 जून तक ये चल रहा है, लेकिन हमने इसमें बीच में पहले और आगे उधर चलाए तो अब हम यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि इसको आज से ही हम प्रारंभ इसको कर दिए हैं। पहले हमने बाहर मैदान में कराया था बाल मोटा होगा दोनों का, अब हम ये जितने भी क्षेत्र के हैं गणमान्य लोग जो अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार तो ये हमारा यहाँ पर बैनर लगा रखा है और इसमें कविता जोशी प्रमोद जोशी और ये लीलाधर पांडे जी इसमें यहाँ पर रहेंगे तो इनके सानिध्य में यहाँ पर योग शिविर लगेगा और सभी और यहाँ पर पूजा भी होता है गुरु जी, यहाँ प्रार्थना भी हो। ये हमारा ये यहाँ पर माँ सरस्वती की आराधना वंदना की जाती है और ये माँ सरस्वती भारत माता ओम का चित्र और भैया बहन यहाँ पर माँ सरस्वती वंदना करते हुए और से ये हॉल की तैयारी पूरा ये इसमें इसी में योग होता है प्रतिदिन प्रार्थना जब होती वंदना होती है तो वंदना के बाद फिर योग करते हैं, इसमें बैठे बैठे हम योग कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अच्छा यहाँ पर आपने बहुत बड़े बढ़िया प्रोग्राम रखा गुरु जी और मैं संसाय सुंदर सिंह और यहाँ बच्चों को इतना 16-17 साल से यहाँ पर कराटे का प्रोग्राम भी चल रहा है आपके साथ होते हुए भी और यहाँ पर रोप जंप कराटे किक बॉक्सिंग और छोटे छोटे बच्चे आपको जैसे मैं यहाँ लेट भी आ जाता तो आप बिल्कुल यहाँ खुश होते कि गुरु जी आप कुछ दिन के लिए बाहर गए, बच्चे रोज मेरे से पूछते थे गुरु जी सीखे तो गुरु जी को आपके अंदर इतना मतलब गुरु जी के प्रति आपके भावना है इन बच्चों का। और आपने गार्डन भी बहुत बड़ा कर रखा है बहुत बढ़िया करके बच्चों के लिए बैठने उठने का योग शिविर का भी कराटे का भी आपने बहुत बढ़िया मौका दिया मुझे भी जो आप यहाँ
बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए मेरे को बहुत बढ़िया मतलब एक जगह मिल जाता है और पूरा सहारा मिल जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हम तो ये चाहते ही हैं कि आप यहाँ पर इस विद्यालय में इस प्रकार के कार्य कराते रहें जिससे हमारे इन भैया बहनों का मनोबल बनते रहे और स्वास्थ्य इनका व्यवस्थित रहे, अच्छा रहे और समाज में नाम करें। समाज में नाम करेंगे तो हमें भी लगेगा कि हमारे विद्यालय में इसे ऐसे ऐसे भैया बहनों को तैयार करके आपने आगे को भेजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रकार के कार्य करते रहें। और ज़रा और पौधों के बारे में बताइएगा सर, तो बगीचे में मेरे को उतना अनुभव नहीं है। चलो एक बार आप बाहर पौधों के बारे में गुरु जी बताएंगे, ये सभी के जानकारी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों ने भोजन जिस बच्चे ने कर लिया, छाया में चले जाओ अंदर। ये गुलाब भी, सफ़ेद गुलाब बहुत कम मिलता गुरु जी, आपने सफ़ेद गुलाब भी बहुत बढ़िया लगा रखा है। ये चलता रहता है जब, जैसे आप अभी यहाँ देख रहे हैं और कल देखेंगे जो, तो और ये छोटे छोटे जो कलियाँ हैं, ये कलियाँ फिर इनमें खुलेंगे। ये इतने बढ़िया सफ़ेद फूल, सफ़ेद गुलाब के फूल। अगर आपने खा लिया तो ऊपर जाओ। और इधर और चीज़ में और दिखाऊँ आपको। हाँ गुरु जी, ये पाखर का वृक्ष है, ये पाखर का वृक्ष है, इसमें धूप में बिल्कुल बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। उसके अलावा अब ये बात, ये सर मेहंदी का भी लगा रखा है, जो बहुत सुंदर और हर कार्यों में और कई पूजा पाठ में तो लगता है। इसके अलावा भी ये उपयोगी है। और इसके अलावा अच्छा, ये ऑरेंज का भी पेड़ लगा रखा आपने, कपास का भी पेड़। हाँ, ये कपास का भी फूल है। बहुत रुई बना लिया आपने, पूजा बहुत बढ़िया। और ये सदाबहार पौधा है, इसके इसमें पुष्प आते रहते हैं हमेशा। अब ये नए कलियाँ फिर आने लग गई है, ये फूल पुराने पुष्प अब ये समाप्ति की ओर हैं, ये नए कल ये आने लगे। इतना सुंदर पौधा है कि इसका फूल सफ़ेद गुलाब के फूल के बराबर होता है। और उसके अलावा हमारे पास नीम के पेड़ भी हैं। वाह गुरु जी, आपने बगीचा पूरा बहुत ही बढ़िया सुंदर, अति सुंदर बना रखा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये बच्चों का प्ले पार्क है, ये पार्क में ये झूला है, इसमें बच्चे आते छोटे छोटे झूले, उन झूलों में बच्चे खेलते हैं। उधर बस शीशा झूला है और वो है मैरीगोल्ड यानी घूमने वाला, घूमने वाला, और ये आंवला का फूल है। और इधर और सबसे बड़ी खास बात है सर, आपने तो ये ग्लोहे भी लगा रखा है, सभी आयुर्वेदिक के सभी जड़ी बूटी बहुत बढ़िया। ये हुआ है ग्लोहे है और ये शमी है, ये तो बहुत ही दर्शन दुर्लभ पौधा को भी आपने कहाँ से लाया गुरु जी, आपने बहुत ही बड़े मेहनत करके। मेरी ये है कि जहाँ भी जो पौधा मुझे मिलता है और मैं उसको पौधे को वहाँ से ले जाइए और ला करके उसको लगाता हूँ। मेरी एक मतलब वह हॉबी है कि बच्चों के प्रति मेरा इतना लगाव है, फूल पौधे तो उनको मैं लाऊं और लगाऊं। और ये हमारा बच्चे का ये प्ले ग्राउंड है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने पूरा स्कूल में इतना अच्छा गार्डन्स कर रखा, सब कुछ होकर रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी और आपको ऐसे और अच्छे अच्छे पौधे दिखाइएगा, सभी को जानकारी भी होगा। और फिर से मैं करता हूँ कि कल से योग शिविर है, कराटे कैंप हो रहे, सभी पेरेंट्सों का, सभी लोगों को कि अपने बच्चों को खाली टाइम पर घर में बिठाने से इन एक्टिविटी में डालें। और यहाँ कराटे का भी निःशुल्क ही चल रहा है और योग का भी निःशुल्क ही चल रहा है। ये आप लोगों से सभी निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को व्यस्त से व्यस्त रहने, घर में पीठ नहीं मारने, टीवी के बंद करने से अच्छा बेहतर यही रहेगा कि हमारे बच्चे कोई एक्टिविटी में भाग लें। हाँ, इतना है, आप लोगों को लाना लेने का व्यवस्था अपने आप करना पड़ेगा। चलो धन्यवाद गुरु जी।